आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव धा सोमवार को भिवानी में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी इंदु शर्मा के समर्थन में मेगा रोड शो किया। राघव चड्ढा ने कहा कि हरियाणा सालों से भाजपा और कांग्रेस की लूट खसोट के चलते पिस रहा है। हम दिल्ली की जनता के बीच एक बार गए थे कि हमें एक मौका दो, उन्होंने एक मौका दिया और अब दिल्ली वाले एक बार हमें चुनकर दूसरी पार्टियों को भूल गए हैं। पंजाब में भी ऐसे ही आम आदमी पार्टी की चुनाव और फ्री मूलभूत सुविधाएं ले रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा में एक मौका आम आदमी पार्टी को दो, अगर हम काम ना करें तो दूसरी बार वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने चुनावों में आई लव यू केजरीवाल बोलकर झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को जिताने का किया। उन्होंने कहा जिस पार्टी ने हरियाणा के जवान, किसान और पहलवान का अपमान करने का काम किया, उसे वोट मत देना। इस बार हरियाणा में मुकाबला ए बी और सी पार्टियों में है। ए फॉर आम आदमी पार्टी, बी फॉर बीजेपी और सी फॉर कांग्रेस। बी पार्टी को आपने ट्राई कर लिया, कांग्रेस के नेताओं को भी आपने आजमा कर देख लिया। आम आदमी पार्टी नई पार्टी, एक मौका आम आदमी पार्टी को दें, हम कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं, भिवानी के रहने वाले हैं। उन्होंने पिछले एक साल से संघर्ष किया है, बीजेपी ने झूठे केस बनाकर जेल में डाल दिया था। अगर जनता उन्हें दिल से चाहती है तो सिर्फ झाड़ू का बटन दबाकर केजरीवाल को वोट देना। इंदु शर्मा को भारी बहुमत से जिताने का काम करना है, अरविंद केजरीवाल के हाथों को मजबूत करने का काम हो जाएगा। उन्होंने कहा इस बार के चुनावों में आपके पास एक सुनहरा विकल्प है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार भी चल रही है। जो दिल्ली में कहा वो करके दिखाया, जो पंजाब में कहा वो करके दिखाया और एक ईमानदार राजनीति की मिसाल कायम करने का काम किया। हम जात पात और धर्म बिरादरी के नाम पर वोट नहीं मांगते, हम काम के आधार पर वोट मांगते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कहा जो एक गरीब की मूलभूत जरूरत है वो सरकार मुहैया करवाएगी, जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, विश्व स्तरीय इलाज, विश्व स्तरीय स्कूल और माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा मुफ्त और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा आम आदमी पार्टी देती है। इस बार हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम करें। उन्होंने कहा इस बार हरियाणा के लोग सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के हाथों में सौंपेगी। आम आदमी पार्टी के इस बार इतने विधायक जीत रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के बगैर कोई भी सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी। हरियाणा के एक बॉर्डर पर दिल्ली लगता है, दूसरे बॉर्डर पर पंजाब लगता है। दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की शानदार सरकार चल रही है। हरियाणा के लोग भी समझदार हैं, वो भी इस बार झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। इस बार हरियाणा में आदमी के इतने विधायक तो आएंगे, बिना आदमी पार्टी के कोई सरकार नहीं बनेगी। अगर सत्ता की चाबी अरविंद केजरीवाल के हाथों में आ गई तो हम पांचों गारंटी पूरी करवाएंगे। आज आप सब इतनी भारी तादाद में भिवानी विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी इंदु शर्मा जी के और अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सबका इस रोड शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हर बार हरियाणा की जनता हम तुम्हारे साथ हैं।
गाड़ी आने तो पीछे हो जाओ। हमारी बहनें भी मां भी बहुत उत्साह है। 36 बिरादरी के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और सभी ने मन बना रखा है कि आने वाला टाइम आम आदमी की पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी के प्रत्याशी इंदु शर्मा का। कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन में कह सकते दूसरे पार्टी में निकाल रही है तो क्या कहना? नहीं, शक्ति प्रदर्शन वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो लोगों का अपना जोश अपने आप बढ़ रहा है। शक्ति प्रदर्शन नहीं करते हम तो लोगों का प्यार जीतते हैं, लोगों से लाड़ करते हैं, लोगों को अपनापन देते हैं। उसी का ये है कि सारे भाई इकट्ठे शक्ति प्रदर्शन किससे करें। मैं तो ये समझता हूँ कि आज सेकंड आने की होड़ है, फर्स्ट का तो बात ही भूल जाए। फर्स्ट पे तो इंदु शर्मा आ चुके, लोगों का प्यार जो देखे हों। देखो, मैंने अपने जीवन के 50 साल राजनीति में लगाए और उस 50 साल में मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने लोगों के दिलों को पढ़ा है, लोगों की मानसिकता पढ़ी है। आज 36 बिरादरी की है, ये सभी 36 बिरादरी के भाई खड़े हैं जो कि जोश है जिनमें, वो ये चाहते हैं इस नकारा विधायक घनश्याम शराब की छुट्टी करके आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी इंदु शर्मा को जिता के विधानसभा में बेचे। गांव-गांव जा रहे, समस्या लोग बता रहे हैं, किस तरह की समस्या देखने को मिलती है? अरे बाबा, समस्याओं तो मुंह बाएं खड़ी हैं। और जहां तक हमारे विधायक जी की बात है, देखो गुस्से को तो थोड़ा बहुत कम किया जा सकता, माफ़ी वाफ़ी मांगे, लेकिन नफरत को नहीं। इन्होंने लोगों के दिल में नफरत पैदा कर दी और मैं ये समझता हूँ इसका खामियाजा तो औरों को भी भुगतना पड़ता है। वो ये सोचते हैं भाई सभी विधायक ऐसे हैं, सभी नेता ऐसे हैं, बल्कि मैं कई बार देखता हूँ कि लोगों में इतना भारी नफरत होगी हमारे विधायक से कि वो नाम लेना भी पसंद नहीं करते। जब किसी गली मोहल्ले में जाते हैं तो पहले बोतल में पानी भर लेते हैं गंदे पानी को, घनश्याम शराब जी आएंगे तो वो पिला के दिखाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा भिवानी में, गांव में, शहर में, वार्ड में, मोहल्ले में पानी का है। पीने का पानी नहीं है तो किसान की तो हालत ख़राब होनी थी। जब पीने का पानी नहीं तो खेती की तो हम सोच भी नहीं सकते। आज मुँह बाई खड़ी है बहुत सारी समस्याएं, लेकिन इनका समाधान एक नया युवा जो कर्मठ हो, जिसके लगन हो, जिसकी नई इच्छा शक्ति हो, वो इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। और कोई विकल्प है नहीं। जीत को कितनी आश्वस्त है, बात करें भिवानी की तो कितने मेरा कहना नहीं बनता। जीत तो आपको दिखाई दे रही है, हजारों की संख्या में मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें, मेरी बेटियां यहाँ इकट्ठी हुई हैं, वो दर्शा रही है जीत के प्रति आश्वस्त की बात नहीं, ये तो लोग बता रहे हैं। देखिए, आप लोगों से बात करके देखिए, हर बच्चे की जुबान पे है कि भिवानी विधानसभा की सीट आम आदमी की पार्टी की जोड़ी में जा चुकी है। आज हम रोड शो निकाल रहे हैं, राघव चड्ढा जी आए हुए हैं, उनके साथ हम बाजार के बीचों बीच सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, वोटों की अपील करते हुए अब बाजार से निकलेंगे। क्या समस्या देखने को मिल रही है, लोग जो आप बता भी रहे हैं, क्या समस्या देखने को मिल रही है? सबसे बड़ी समस्या भिवानी में पानी की है। आज सारा भिवानी सीवरेज का पानी पी रहा है, ये दुर्भाग्य है और हम इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए आए हैं। सामने करें बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का भी पार्टी सामने है, तो किस तरह हम गौरव मानते हैं? देखिए, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, जिसे जनता आशीर्वाद देगी, जनता वोट देगी, वो जीत जाएगा। जीत को लेकर आश्वस्त हो, बात करें आप? देखिए, जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं हम। आज यहाँ जो ये युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इनका जोश देखिए, अद्भुत जोश है, अद्भुत। और ये देखिए, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं था, काफ़ी दिन पहले प्लान्ड नहीं था, ये कल ही हमें पता चला कि राघव जी यहाँ आएंगे वोटों की अपील करने के लिए, और ये बहुत जल्दी में प्रोग्राम बना। लेकिन फिर भी देखिए कितनी भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में आज यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। 4-5 दिन का समय बचा तो जनता से क्या अपील करेंगे वोटों के लिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगी मेरी छोटी काशी के लोगों से कि 5 तारीख को जो आप वोट देंगे वो ये निर्धारित करेंगे कि अगले 5 साल हमारे कैसे होने वाले हैं। काफ़ी लंबा समय हम पीछे ख़राब कर चुके हैं, तो मैं तो सभी से यही अपील करूंगी कि अब की बार जब 5 तारीख को आप लोग वोट देने जाएं, तो आम आदमी पार्टी पहले नंबर झाड़ू के निशान पे वोट दें, ताकि पिछले लंबे समय से जो विकास कार्य भिवानी में रुके हुए हैं उनको हम व्यवस्था अच्छी कर सकें और उनको ठीक कर सकें। बिल्कुल जी, ये कारवां जुड़ता जा रहा है, काफ़ी लंबी तपस्या बाबूजी की रही है,
काफ़ी लंबी तपस्या उनके साथ जो लोग जुड़े रहे हैं 50 सालों से उनकी रही है। फिर मैंने पिछला जो नगर परिषद का इलेक्शन लड़ा उसमें भी काफ़ी नए साथी जुड़े और एक कारवा जुड़ता जुड़ता इतना लंबा हो गया कि हम जीत के प्रति अब की बार पूरी तरह आश्वस्त हैं।